जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो आपने अनेक देखी होगी, लेकिन ये ऐसी रथ यात्रा की बात है जब हमारे प्रिय जगन्नाथ जी रथ से उतरकर चले जाते हैं। और जानते हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे। लेकिन क्यों? क्या उन्हें गुस्सा आया हुआ था या फिर उनके प्रति किसी ने कोई अपराध कर दिया था? चलिए जगन्नाथ जी के विषय में रोचक और हृदय तार को आप्लावित करने वाली एक और कथा सुनाती हूँ। हरे कृष्णा। आज सूर्य की किरणों में एक नवीन ऊर्जा का संचार था। वातावरण में हर्षोल्लास और नवोन्मेष था। दूर दूर से पूरी मंदिर के बड़दांड पर एकत्रित हो रही जनमानस की भीड़ आनंद और भक्ति से सराबोर थी। यह उस मंगलमय दिन की बात है जब संपूर्ण सृष्टि के स्वामी स्वयं जगन्नाथ अपने प्रिय भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करने के लिए राजमार्ग पर नगर यात्रा में निकलने वाले थे। कहते हैं ना कि रथे तो वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते, अर्थात जो व्यक्ति एक बार रथ पर सवार जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो बस इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की इच्छा से हजारों लाखों की संख्या में लोगों का सैलाब राजमार्ग पर आंदोलित हो रहा था। सिंह द्वार के पास भक्तों का समूह मणिमा कहकर जगन्नाथ जी को पुकार रहे थे। अनेक सुंदर वाद्य यंत्रों की ध्वनि वातावरण को पुलकित कर रही थी। जब संपूर्ण नगर और नगरवासी इस भक्ति की तरंगों पर तैर रहे थे, उस समय सिर्फ एक व्यक्ति था जो इस मंगलमय घड़ी से अलिप्त अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। मानो उन्हें इन सब चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं था। लेकिन कौन है ये व्यक्ति जो श्रीधाम में रहकर श्रीपति से विरक्त हैं? तो ये हैं बलराम दास, उत्कल प्रदेश के प्रसिद्ध और यशवान भक्त कवि। बचपन से ही उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनके प्रति प्रेम विकसित कर लिया है और उनके शुद्ध मन से वे भगवान के लिए अनेक कविताओं की रचना भी करते हैं। उनके हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति रस का समुद्र सदैव छलकता रहता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि अगर वे स्वयं जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो फिर रथ यात्रा के दिन कहाँ पर हैं? तो वे बैठे हैं श्री मंदिर के नज़दीक स्थित किसी वेश्या के घर में उसे आलिंगन करके। आश्चर्य की बात है ना, भक्त भी और वेश्या का संग भी। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना, या रचिते कृष्ण प्रेमा कर ये उदया, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विघेय ना बुझाया। यानी जिसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उदित हो चुका है उसके क्रियाकलापों को समझना अत्यंत मुश्किल है। तो बस ऐसा ही कुछ था बलराम दास के साथ भी। अनेक सद्गुणों से युक्त होने के बाद भी सिर्फ यही एक उनकी कमजोरी थी कि वे एक वेश्या से आसक्त थे और आज रथ यात्रा वाले दिन भी वे अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाए। जब वे उसके साथ बैठे थे तो धीरे धीरे सिंह द्वार से जगन्नाथ जी के आगमन का कोलाहल बढ़ने लगा। दयितापति सेवकों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप अब जगन्नाथ जी सिंह द्वार से बाहर आ चुके थे और अपने रथ पर भी सवार हो चुके थे। प्रधान सेवक गजपति राजा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक राजमार्ग पर झाड़ू मारने की पहिंद विधि भी कर ली थी। वहाँ उपस्थित सेवक गण घंट और अन्य वाद्य यंत्रों से जगन्नाथ जी का स्वागत कर रहे थे। हृदय को कंपायमान करने वाली ये ध्वनि की तरंगे बलराम दास तक भी पहुँच गए, जिसके श्रवण से बलराम दास का हृदय विदीर्ण होने लगा। उनकी आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और अब एक क्षण भी वे वहाँ उपस्थित नहीं रह सकते थे। उनका मुख सूखने लगा, हृदय में मानो भक्ति की तरंगे उठने लगी। उसी क्षण वे उस वेश्या के घर से निकलकर सीधे पहुंचे जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष। उन्होंने बड़े प्रेम और तन्मयता से जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, शरीर प्रस्वेद से गीला हो चुका था। उन्होंने जमीन पर लेटकर संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हुए जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। मुख से अविरत
जय जगन्नाथ शब्द का उच्चारण हो रहा था और बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ अपने भुजाएं फैलाकर अपने भक्तों को आलिंगन करने का आह्वान कर रहे थे। जब बलराम दास ने ये देखा तो वे खुद को नहीं रोक पाए और स्वयं भी जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए रथ पर चढ़ने लगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि इस समय बलराम दास सीधे उस वेश्या के घर से आ रहे थे, इसलिए उनके शरीर पर कुमकुम अलता के चिन्ह दिख रहे थे और वस्त्र पर तांबूल के दाग। और ऐसी अवस्था में जब बलराम दास को रथ पर चढ़ते हुए भगवान के सेवकों ने देख लिया तो उन्होंने उनका अपमान करते हुए कहा, अरे 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 मूर्ख, किस अधिकार से तू इस रथ पर चढ़ रहा है? हाँ, तेरे शरीर पर दिख रहे इस कुमकुम और तांबूल के दाग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तू उस वेश्या के घर से सीधा यहाँ आया है। स्नान और स्वच्छता तो तू कभी रखता नहीं और बड़ा आया जगन्नाथ जी से आलिंगन करने। हाँ, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर जगन्नाथ जी के सेवकों ने बलराम दास को बलपूर्वक रथ से उतार दिया। अब अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा, है ना? बलराम दास को भी ऐसे ही अपमान का अनुभव हुआ। इस प्रकार मन से दुखी और लज्जित होकर तुरंत वे वहाँ से चले गए। कंपित शरीर से क्रंदन करते हुए वे समुद्र तट पर बंकी मुहान नामक स्थान पर जा पहुँचे और वहाँ जाकर वे भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ समय बाद उनका ध्यान भंग हुआ और फिर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। हरि हो बाली रत्रिरथ करी छी मोह संतोषे विजय कर गोसाई। अर्थात, हे हरि, मैंने रेत से ये तीन रथ बनाए हैं, कृपया पूर्णतः संतुष्ट होकर आप इन रथ पर विराजमान हो जाइए। अब देखिए, इतने प्रेम से अगर कोई जगन्नाथ जी को बुलाए तो वे कैसे नहीं आएंगे, बताइए। तो बस उसी क्षण बलराम दास को उस बालू के रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए और जगन्नाथ जी को देखकर उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि वे अपने भाव आवेश को रोक नहीं पाए और ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने लगे। उनके भावमय कीर्तन को देखकर आसपास से लोग भी उनके पास एकत्रित होने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि रथ यात्रा वाले दिन राजमार्ग से भीड़ कम होने लगी और समुद्र तट लोगों से भरने लगा। अच्छा, तो यहाँ राजमार्ग पर क्या हो रहा था, चलिए थोड़ा उधर भी नज़र डालते हैं। बिल्कुल उसी समय राजमार्ग पर जगन्नाथ जी का रथ स्थिर हो गया। अनेक लोग पसीने से लथपथ हो गए थे, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ एक इंच भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। असंख्य लोग इस कार्य में जुट गए, लेकिन फिर भी रथ आगे ही नहीं जा रहा था। जब ये सूचना राजा प्रताप रुद्र को मिली तो उन्होंने रथ को खींचने के लिए हाथी भेजे, लेकिन हाथी भी थक हार के बैठ गए। इतने में राजा का मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, प्रणाम राजन, मैंने सुना है कि बलराम दास समुद्र तट पर तीन बालू के रथ बनाए हैं और वे जगन्नाथ जी को पुकारते हुए वहाँ कीर्तन कर रहे हैं। उनके आसपास हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई है, वे उनके कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बलराम दास को ही यहाँ रथ के पास बुलाना चाहिए। इस प्रकार मंत्री ने बलराम दास के हुए अपमान के बारे में राजा को बता दिया और ये सुनकर गजपति राजा के मन में विश्वास हो गया कि हो ना हो ये ज़रूर जगन्नाथ जी की नाराज़गी ही है जो उनका रथ आगे नहीं जा रहा। आखिर जगन्नाथ जी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके भक्त का कोई अपमान करे? बस ये सोचकर राजा तुरंत ही अपने सेवकों के साथ समुद्र तट पर बलराम दास के पास जाते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं और सम्मान के साथ उन्हें रथ पर विशेष आसन प्रदान करके बिठाते हैं, उन्हें पगड़ी बांधते हैं और ये देखकर सभी के मन में आनंद उमड़ पड़ता है और फिर हमारे प्यारे भक्त वत्सल और नटखट जगन्नाथ जी खुशी खुशी अपने भक्त बलराम दास के साथ रथ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप भी याद रखिएगा, गलती से भी अगर जगन्नाथ जी का अपमान करोगे तो शायद माफ़ी मिल भी जाए, लेकिन अगर उनके भक्त का अपमान करोगे तो उसकी माफ़ी मिलना नामुमकिन है। अच्छा बताइए, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर सच में अच्छी लगी है तो इसे कम से कम दो लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, शेयर करने के बाद आपको लगता है कि जगन्नाथ जी की महिमा को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने का हमारा ये प्रयास सच में अच्छा है
और हमें इसे करते रहना चाहिए। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना योगदान भेजकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपने ये नए वाले जगन्नाथ जी देखे? नहीं नहीं, ये पेपर या सिर्फ हार्ड बाउंड मटेरियल वाले नहीं हैं, ये बने हैं एक्रेलिक की मजबूती से, और उससे भी ज़्यादा इसमें भगवान जगन्नाथ जी के प्रेम की मजबूती है, क्योंकि इन्हें तैयार किया गया है हमारे भक्तों ने। तो प्रतीक्षा मत कीजिए, ये जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। उससे पहले neelachal.com पर जाइए और आज ही आमंत्रित कीजिए उन्हें अपने घर पर। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, ताकि जगन्नाथ जी एक भी कथा आप मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।